अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, हैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूज़, आज हम बनाने जा रहे हैं तरबूज का शरबत। आज की रेसिपी का जो नाम है, इसे कहा जाता है मोहब्बत वाला शरबत। तो जैसा कि आपने नाम ही से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार और कमाल की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध रखा है, हाफ लीटर के बराबर आपने यहाँ पे दूध ले लेना है। साथ में हमने दो यहाँ पे सेब रखे हैं, हसब ज़रूरत यहाँ पे इनको इस्तेमाल करेंगे। इस तरफ हमने जो है रूह अफ़ज़ा रखा है, अगर आप जामे शीरी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में तरबूज है, उसे भी हसब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले जो है हम तरबूज की कटिंग करेंगे और छोटे पीसेज में तरबूज को काट लेंगे। तो व्यूज़, आज की जो रेसिपी है मोहब्बत वाला जो शरबत है, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बिल्कुल जो है सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, बहुत आसानी से बन जाएगी। बस रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना कर सकें। अपना प्यार और सपोर्ट भी इसी तरह से बनाए रखिए ताकि मज़ीद ऐसी आसान रेसिपीज़ लेकर हम आपके लिए आते रहें। तो व्यूज़, ये जो मोहब्बत वाला शरबत है, इसका नाम ही इस तरह से है कि रेसिपी का नाम सुनते ही लगता है कि यकीनी तौर पे कोई अच्छी, मज़ेदार और जो है वो कोई मीठी चीज़ होने वाली है। नाम के साथ साथ रेसिपी जो है वो बनने भी बहुत मज़ेदार है, बनने में भी और जायके में भी बेमिसाल है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो लीजिए, इस तरह से आपने सारे जो पीसेस हैं छोटे छोटे वो काट लेने हैं तरबूज के। और तरबूज की कटिंग करने के बाद जो है आप इसके जो बीज हैं इसमें से कोशिश कीजिए वो सारे के सारे बीज आप एक एक करके सारे निकाल लीजिए। तो तरबूज की हमने अभी कटिंग कर ली है। अब हमारे पास जो सेब हैं उनको हम काट लेंगे, पहले उनका भी छिलका अच्छी तरह से उतार लेंगे। लेकिन छुरी जो है वो नाइफ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जब सेब का जो है आप छिलका उतार लेंगे तो उसके बाद आपने नाइफ़ का इस्तेमाल नहीं करना। आपने उसकी कटिंग जो है उसको करने के लिए नाइफ़ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। वहाँ ग्रेटर जो है यानी कि कद्दूकश करेंगे हम अपनी रेसिपी को, उससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा बारीक और पतले जो है वो उसके पीसेस बन जाएंगे। यकीन जानिए, अगर एक अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर शरबत की बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अब आपने इसको कद्दूकश करना है। ये देखिए बिल्कुल जो है पतले से यहाँ पे इसके पीसेस वो रेशे जो निकलते जा रहे हैं। अच्छी तरह से यहाँ पे आपने सेब को कद्दूकश कर लेना है। एक सेब यहाँ पे काफ़ी रहेगा। अगर आप ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो दो सेब भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम दूध ऐड करेंगे यहाँ पे। हाफ लीटर के बराबर हमने यहाँ पे दूध लिया था और कोशिश कीजिए कि आप ठंडा जो है वो दूध लीजिए। अभी हमारे पास जो रूह अफ़ज़ा है वो ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, जामे शीरी जो है वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर जो है आपने ये रूह अफ़ज़ा डाल लेना है। अगर मीठा ज़्यादा पसंद है आपको तो बिल्कुल जो है 1/2 टेबल स्पून के बराबर मज़ीद आप इसमें डाल सकते हैं। तो अभी बर्फ़ ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और हमारी जो आज की रेसिपी है मोहब्बत वाला शरबत, वह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो व्यूज़, आज की रेसिपी को आप बना के ख़ुद भी खाइए और अपने जो है प्यारों को भी ये ज़रूर खिलाइए। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और आसानी से बनने वाली रेसिपी है।
इंशाल्लाह जिसके सामने भी आप आज की रेसिपी बना के पेश करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह तारीफ ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। तो अब हमने अपनी रेसिपी को जो है डिश आउट कर लेना है। तो लीजिए, रेसिपी को डिश आउट हमने कर लिया है। अब थोड़ी सी हम इस पर गार्निशिंग करेंगे। एक दो पीस जो है वो तरबूज का काट के ग्लास के ऊपर लगा लेंगे, और थोड़े से जो है लीमू वो काट के हम सामने रख लेंगे, और फिर हमारी जो रेसिपी है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो लीजिए, इसी तरह से आपने दो पीस छोटे से काट के दोनों ग्लास जो है उनके ऊपर लगा लेने हैं। अब थोड़े से जो है लीमू आपने इस तरह से काट के प्लेट में सामने रख लेने हैं। इसी के बाद हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल सर्व करने के लिए कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, मोहब्बत वाला शरबत। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है इसे लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।